गाइस, मैं ज्योति विश्वकर्मा आपकी होस्ट और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यस डेडा न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टार प्लस का सुपर हिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक की जो सही है वो इन दिनों काफी ज्यादा व्यस्त चल रही है। वेल, आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि उनके कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है जिसकी तैयारियों में सई बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। वही आपको बताना चाहूंगी दोस्तों यहाँ पर कि सई चाहती है कि पूरा परिवार उसके इस इवेंट में जाए, लेकिन यहाँ पर भवानी ने ऑलरेडी उस इवेंट में जाने से मना कर दिया है। तो वही दूसरी तरफ सई इस इवेंट को लेकर बहुत जोरों शोरों में तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ जो विराट है वो सई से काफी शिकायत करता है। वो शिकायत इस बात की करता है कि सई ने उसे इस कॉलेज इवेंट में इनवाइट नहीं किया है, जिसकी वजह सई बताती है कि क्योंकि जो इवेंट है वो दिन में है और जो विराट है वो दिन में ड्यूटी करेंगे, अगर वो ड्यूटी को छुट्टी मारकर आते हैं तो पूरा परिवार सई को ताने मारेगा। तो इसके साथ ही साथ यू नो इसके बाद जो होता है, जो विराट है दोस्तों, विराट का डांस देखकर सई बल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद जो सई है वो यू नो विराट को चिढ़ाने के लिए उसकी जो तुलना है, उनका जो कंपैरिजन है वो अपने फ्रेंड अजिंक्य से करती है। सई यहाँ पर कहती है विराट से कि आपसे अच्छा डांस अजिंक्य करते हैं, जिसके बाद विराट बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाता है। वह दोस्तों अगले दिन जो सई है वो कॉलेज जाती है और वहां पर वो अपने एक्सीडेंट का बहाना बनाती है, जिसके बाद जब ये खबर पूरा परिवार सुनता है भवानी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इनफैक्ट भवानी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जिसके बाद भवानी पूरे परिवार के साथ फटाफट पूरे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यू नो जो सई है वो अपना बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है सबके सामने, और उनका धमाकेदार परफॉर्मेंस देख के पूरा परिवार बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। वह इसके बाद दोस्तों कहानी में तो ट्विस्ट तब है जब विराट भी सई के कॉलेज में पहुंच जाता है, वो अपना धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है, जिसके बाद सई इस ट्रॉफी को जीत जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो विराट के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाती है। जो सई को ट्रॉफी मिलता है वो जो सई है वो ट्रॉफी को भवानी को डेडिकेट करती है। जब भवानी ये सुनती है कि सई ने अपनी ट्रॉफी को भवानी को डेडिकेट किया तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है, जिसके बाद भवानी के चेहरे पे मुस्कान आती है। लेकिन यहाँ पर जो पाखी है वो भवानी के चेहरे पर मुस्कान देखकर सई से जल भुन जाती है, और वो उसको उसके मन में ये ख्याल आते हैं कि अब भवानी जो है वो सई के साइड लेगी और अब बहुत ज्यादा तमाशा भी होगा। यानी कि पाखी को ऐसा लगता है कि अब जो सई है उसने भवानी को इम्प्रेस कर दिया और भवानी सई के साइड लेगी। इनफैक्ट अब उस पाखी पर कोई भी ध्यान नहीं होने वाला है, ऐसा पाखी को लगता है। तो दोस्तों, इसको लेके क्या है आपकी राय? गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड को लेकर आप कितने एक्साइटेड है? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल यस डेडा न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।